प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है कि अचानक होना, मतलब समय का बहुत कम समय में होना, उसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसको हम समझ लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ त्वचा है, ये त्वचा से घ्राण ग्राही से होते हुए ये मैसेज हम लोग का संवेदी तंत्रिका में जाती है। संवेदी तंत्रिका, इसको सेंसरी नर्वस टिश्यू बोलते हैं। अब ये सेंसरी नर्वस टिश्यू आगे मेरुरज्जु तक आती है। ये मेरुरज्जु मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और मेरुरज्जु के सामने बीच में प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका होती है। ये प्रतिसरण तंत्रिका कोशिका से मैसेज फिर आगे की ओर होती है, वर्क होने के बाद इधर आगे आती है और आगे ये प्रेरक तंत्रिका में आती है। इसको मोटर नर्वस टिश्यू बोलते हैं और ये मोटर नर्वस टिश्यू मैसेज को आगे पेशी उत्तक मतलब मस्कुलर टिश्यू तक पहुंचाती है। मस्कुलर टिश्यू के पास आते ही ये हम लोग का हाथ काम करने लगता है और ये गर्म वस्तु से हम लोग हाथ अचानक हटा देते हैं। और ये समय मतलब सेकेंड से भी कम समय में होता है, मतलब अचानक होता है बहुत। अगर हम सोच के हटाएंगे कि हम थोड़ा मतलब छू रहे हैं, हीट है, तब तक तो हाथ जल जाएगा। मतलब हम इस प्रतिवर्ती क्रिया को हम बहुत कम समय में बिना सोचे समझे बिना विचार किए ये काम को हम लोग करते हैं। ओके, इसी को एक बार फिर से हम इंग्लिश में समझ लेते हैं। ये हो गया रिसेप्टर हो गया, सेंसरी नर्वस टिश्यू हो गया जो मैसेज के आगे की ओर बढ़ाता है। ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड CNS इसको बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ओके, और ये इधर से आगे मैसेज ब्रेन तक जाती है और यहाँ रियल नर्वस होते हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस होने के बाद ये मैसेज आगे की ओर मोटर की ओर बढ़ जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू को मैसेज करती है और ये फिर मतलब उस जगह से इसको अचानक हटा देती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ओके, थैंक यू।